जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, और एक कंफ्यूजन ये भी है कि इंडिविजुअल प्लान लें या फैमिली फ्लोटर प्लान लें। तो इसके लिए समझना जरूरी है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपने बहुत कॉमनली कहा है कि जब भी आप प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन या किसी एजेंट के थ्रू तो या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, वहां पे आपको दिखता है कि इंडिविजुअल प्लान चाहिए या फैमिली फ्लोटर प्लान चाहिए। तो उसके डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा लेना बेटर है और दोनों के प्रीमियम्स में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल से भी समझेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लास्ट 17 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर प्लान एंड विच वन यू शुड बाय। सबसे पहली चीज, डेफिनेशन क्या है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस की। तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की डेफिनेशन है, नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिविजुअल पॉलिसी, मतलब उस पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड है, जो प्रीमियम है, वो इंडिविजुअल की लाइफ पे चार्ज हो रहा है। तो अगर आप अगर अपने लिए सोनली सिर्फ अपने लिए पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस बोलेंगे। लेट्स से अगर आप फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो उसको कहेंगे फैमिली फ्लोटर। सो बेसिकली इट्स एन अम्ब्रेला कवर, कि उस अम्ब्रेला के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स कवर्ड हैं। इंडिविजुअल में अम्ब्रेला इज यूज्ड बाय सिंगल पर्सन, फैमिली फ्लोटर में अम्ब्रेला के नीचे पूरी फैमिली है। तो ये एक इजी एग्जांपल है समझने के लिए। में किसी को भी जरूरत पड़ती है फैमिली फ्लोटर में तो वो शेयर कर सकते हैं वो कवर। तो इसीलिए जो सम इंश्योर्ड होगा दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल और प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। अब बात करते हैं कवरेज की। इंडिविजुअल प्लान में जो कवरेज है, लेट्स से अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख का कवर इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो कभी भी उनको अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो पूरा का पूरा 10 लाख वो खुद यूज कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में कवरेज कैसे होता है? फैमिली फ्लोटर में लेट्स से 10 लाख का कवरेज लिया है तो वो 10 लाख का कवरेज कैसे है कि एक 10 लाख का कवरेज है और नीचे फैमिली के चार लोग हैं, तो किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो वो फैमिली फ्लोटर में से वो कवर लेके यूज कर सकता है। तो कवर, जैसे हमने बोला कि इट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द पॉलिसी होल्डर्स, लेट्स से अगर 10 लाख का कवर है, एक फैमिली मेंबर ने 5 लाख यूज कर लिया तो बाकी का 5 लाख बच गया पूरी फैमिली के लिए। जो भी कवरेज है वो शेयर हो रहा है, तभी प्रीमियम अकॉर्डिंगली होता है। आगे हम बात करेंगे प्रीमियम्स की। एंड अगेन, ये तो आप जानते हैं कि ये पॉलिसी पीरियड में एप्लीकेबल होता है, तो एक साल के लिए है, एक साल के बाद फिर से रिप्लेनिश हो जाता है। मान लीजिए आपने इस साल में यूज कर लिया अपने सम इंश्योर्ड, चाहे वो इंडिविजुअल कवर है या फैमिली फ्लोटर कवर है, नेक्स्ट ईयर आप पॉलिसी अपने रिन्यू करेंगे तो फिर से वो कवर आपकी पॉलिसी में एड ऑन हो जाएगा। अब बात करेंगे कि एडवांटेज क्या है इंडिविजुअल प्लान लेने का या फैमिली फ्लोटर प्लान लेने का। तो इंडिविजुअल प्लान लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो सम इंश्योर्ड है वो पूरा का पूरा आपके लिए है। कभी भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो सम इंश्योर्ड 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो आपको पता है कि आपके लिए वो पूरा सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं एक पॉलिसी पीरियड में। एडवांटेज फैमिली फ्लोटर प्लान की, फैमिली फ्लोटर प्लान आपको कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा। जैसे इंडिविजुअल प्लान में आप इंडिविजुअल की कॉस्ट पे कर रहे हैं, वैसे फैमिली फ्लोटर में क्योंकि आप कवर शेयर कर रहे हैं तो कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्लान। अब बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है इंडिविजुअल प्लान लेने का या फैमिली फ्लोटर प्लान लेने का। डिसएडवांटेज ये है इंडिविजुअल प्लान में कि कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फैमिली फ्लोटर प्लान, क्योंकि आप सिंगल पर्सन आपके नाम पे है और इंडिविजुअल कवर है तो कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू फैमिली फ्लोटर प्लान। और डिसएडवांटेज फैमिली फ्लोटर प्लान्स का ये है कि जो कवर है, लेट्स से अगर 10 लाख का कवर फैमिली के चार लोग शेयर कर रहे हैं तो इट मे नॉट बी इनफ, काफी नहीं होगा चार लोगों के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस। तो इसका सोल्यूशन क्या है इस डिसएडवांटेज को ठीक करने के लिए? सो पहला तो इंडिविजुअल में आप उतना ही कवर लें जितनी आपको जरूरत है अपने हिसाब से, एंड इंडिविजुअल प्लान मेनली सूटेबल होता है उनके लिए जो सिंगल हैं, उनके लिए ऑफकोर्स इंडिविजुअल प्लान जाएगा। एंड मोस्टली आप सीनियर सिटीजन के लिए भी देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कवरेज ले लें, उससे क्या होता है कि कवरेज उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है सीनियर एज में, तो वहां पे वो इंडिविजुअल कवर आपका ज्यादा अच्छे से काम करता है। एंड अगर आप इफ यू आर फैमिली, अगर आप ऑलरेडी जैसे एक फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान ही लें। उसमें क्या होगा कि आप सम इंश्योर्ड ज्यादा ले लें, जैसे मैंने बोला कि अगर डिसएडवांटेज है कि कवर मे नॉट बी इनफ, तो उस केस में आप क्या करें, आप सम इंश्योर्ड ज्यादा ले लें, डोंट गो फॉर 10 लाख कवरेज, गो फॉर हायर कवरेज। तो सबके लिए एक बड़ा पूल है जिसमें से वो यूज कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। सो आप समझ लेते हैं प्रीमियम का क्या डिफरेंस होता है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये किसी कंपनी का प्रीमियम नहीं है, कि एग्जांपल देने के लिए कि इंडिविजुअल और फ्लोटर सम इंश्योर्ड कैसे काम करते हैं। इंडिविजुअल आपने पॉलिसी ली और 37 एज है, इसे 10 लाख की पॉलिसी ली है, प्रीमियम आता है 12,000 रुपीज। अगर यही पॉलिसी हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं टू अडल्ट्स के लिए, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, वो दोनों लेते हैं, 37 एंड 35 इज द एज, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, यहाँ पे प्रीमियम है 17,000।
तो आप देख रहे हैं इंडिविजुअल का प्रीमियम 12,000 था और दो लोगों का मिला के 17,000 है, मतलब वो डबल नहीं हुआ, इट इज नॉट 24,000, इट इज 17,000। तो ये जो है अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 लाख का जो कवर है ये दो लोगों में शेयर होगा, इंस्टेड जो फर्स्ट एग्जाम्पल में वो सिंगल इंडिविजुअल का है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी विच इज कॉल्ड मल्टी इंडिविजुअल। मल्टी इंडिविजुअल क्या होता है कि सिंगल पॉलिसी में दो लोग एज एन इंडिविजुअल कवर लेकर आते हैं। जैसे हम यहाँ पे 10 लाख शेयर कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले लें कि एक ही पॉलिसी में दो लोग, जैसे हस्बैंड और वाइफ हमने बात करी 37 एंड 35, इंडिविजुअली अपना 10-10 लाख कवर लेकर आए। उसका फायदा क्या होगा? बिल्कुल, सो उसका फायदा होगा कि कंपनी आपको, अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो देर आर सम डिस्काउंट्स दैट कंपनी ऑफर। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। सो सेम एग्जांपल में यहाँ पे हमने पहले बात करी इंडिविजुअल प्रीमियम जो था 12,000, फैमिली फ्लोटर प्रीमियम जो था 17,000। अब हम बात करेंगे मल्टी इंडिविजुअल कि वो चाहते हैं कि दोनों का अलग अलग कवर रहे और वो सिंगल पॉलिसी में रहे। 10 लाख मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी का प्रीमियम है 19,400। तो ये भी अच्छी बात है कि जो फैमिली फ्लोटर से सिर्फ 2,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन कवर आपको इंडिविजुअली मिल रहा है। तो मल्टी इंडिविजुअल इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, तो वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ फैमिली भी। तो जस्ट टू कंक्लूड, इंडिविजुअल प्लान्स उनके लिए बेटर है जो इंडिविजुअल्स हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आप इंडिविजुअल प्लान्स देख सकते हैं, उनके लिए मल्टी इंडिविजुअल देखना चाहे तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन कि इंडिविजुअली उनका अलग अलग कवर रहे, बिकॉज उनको ज्यादा कवर की जरूरत पड़ सकती है। फैमिली फ्लोटर जहां पे एक फैमिली है तो एज अ फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, कपल है, उनके बच्चे हैं, तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान में आ सकते हैं। सो फैमिली फ्लोटर में ये है कि सम इश्योर्ड आप ज्यादा ले लें, क्योंकि आप प्रीमियम तो एज इट इज सेव कर ही रहे हैं, जहां पे आपको 2x नहीं पे करना पड़ रहा, इंडिविजुअल से कम पे करना पड़ रहा है, तो आप सम इश्योर्ड ज्यादा लेने का कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से आपका अगर प्लान था 10 लाख लेने का, आप उसको 20 कर लें या 25 कर लें या 50 कर लें, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हैं और आपकी क्या जरूरत है, उसके बेसिस पे आप बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली आप 100% प्रीमियम के ऊपर ना जाएं कि प्रीमियम देखकर आप लेंगे कि इंडिविजुअल लेना है कि मल्टी इंडिविजुअल लेना है कि फैमिली फ्लोटर। अपनी जरूरत को असेस करें कि आपकी जरूरत क्या है, आपको कितना कवर चाहिए, नॉट ओनली टूडे, आगे का सोच के कि फ्यूचर में अगर कोई बीमारी आएगी या हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो कितना इंश्योरेंस सफिशियंट रहेगा। इस पर भी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ विद प्रॉपर कैलकुलेशन कि कैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, एंड दिस वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ भी क्वेश्चंस हो इनके रिगार्डिंग आप पूछेगा कमेंट सेक्शन में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर। लास्ट 17 आप अकेले शेयर कर रहे हैं, एग्जाम्पल रहेगा। सो यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा मैं कंक्लूड करना चाहूंगा।